हेलो, हाँ दीदी, झाड़ू पोछा डस्टिंग 10 चपाती। हाँ दीदी, पता है मेरे को। हाँ, चाबी भी भाजू वाले को दे दूंगी। हाँ ठीक है। पानी कहाँ टपक रहा है? लगता है किसी ने नल खुला छोड़ दिया है। दीदी, बर्फ में जमी हुई लड़की मुंबई की इतनी गर्मी में, घर में कोल्ड स्टोर है क्या? हाँ, कौन है? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ पे सिर्फ काम करने आए थे। साहब और मैम साहब तो अपने अपने ऑफिस में हैं साहब, हमें कुछ नहीं। किसका घर है ये? मेरा है, मैं हूँ ध्रुव दीक्षित। क्या हो रहा है ये सब? सावित्री भाई, ये लाश किसकी? यही सवाल तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारे बेडरूम में ये लाश मिली है, कौन है ये? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी ऑफिस से आ रहा हूँ घर पे। पुलिस स्टेशन ले चलो इसे, याद आएगा धीरे धीरे वहां पे। मैंने कुछ भी नहीं किया, वरुण को कॉल करो तुम। हेलो वरुण, वरुण ध्रुव को पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि उस औरत की लाश मेरे बेडरूम में कैसे है। ना मैं उस औरत को जानता हूँ, ना ही मेरी पत्नी जानती। अच्छा, तो क्या तुम्हारी अनुपस्थिति में किसी ने उम्रित शरीर तुम्हारे घर में रखा? सर हो सकता है, पर ऐसा करेगा कौन और क्यों? ये वो तो पता लगाएंगे। लाश हमें उसके बेडरूम से मिली, वो भी बर्फ में पैक हुई, और आप कहते हो कि मैं ऐसे साइको अपराधी को छोड़ दूं? मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो रहा, थोड़ा मैं ये कह रहा हूं कि उस लाश का तो पता लगाओ, कौन है, कहां से आई। एक बार देख सकता हूं मैं लाश को? चलिए। छानबीन जारी है। बॉडी के हाथ से कंगन मिला था, उस पर एक ज्वेलर की मोहर है, वहां इंक्वायरी कर रहे हैं। देखो आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन है, कहां से आई है। और मृत्यु का कारण? सर के पीछे कुछ भारी चीज से वार किया गया, और मरने के बाद फिर आपके क्लाइंट ने इसे फ्रिज में रख दिया।
क्या ध्रुव के घर में इतना बड़ा फ्रिज था कि उसमें ये बॉडी आ जाती? नोटिस तो नहीं गया, पर आसपास होगा जरूर, वरना बॉडी वहां आती कहां से? कोई किसी की हत्या करके लाश फ्रीजर में क्यों रखेगा? अब पाठक साहब, ये तो सबका अपना अपना अतरंगी शौक है। फ्रीजर में रखा तो लाश को निकाल कर वहां पर्दे के पीछे क्यों रखा? ताकि वो पकड़ा जाए। अब देखो पाठक साहब, ये कोर्ट तो है नहीं, ये सब बातें तो आप कोर्ट में ही साबित करना। क्या हुआ पाठक साहब? राठौर साहब, लाश को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दो दिन नहीं, काफी महीनों से फ्रीजर में रखा गया है। पाठक साहब, अब आप फ्रोजन बॉडीज के भी एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट नहीं, अनुमान है। सो लाश के बारे में पता चल गया। सुहासिनी शिंदे, अभ्युदय नगर, मरोल नाका, अंधेरी ईस्ट। पता लगाओ इसका और ध्रुव दीक्षित का क्या लफड़ा है। ओके सर। मोहब्बत का ही लफड़ा होगा पाठक साहब। वैसे आप इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? आपके सहायक वरुण का दोस्त है। एक और खबर मिली इस औरत के बारे में। इसका तो पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, मिसिंग केस में। और सर, इसी के पति ने इसकी लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये औरत पिछले 3 साल से अपने घर से गायब है, और मिली भी तो अब 3 साल बाद, वो भी बर्फ की तरह जमी हुई। पता मिल गया है तो पति भी मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं सुहासिनी का पिता, रिटायर्ड कर्नल मनोहर देसाई। आई एम सॉरी, पर आपको बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। श्योर इंस्पेक्टर। मेरी बच्ची। मेरा नाम निर्मल शिंदे है, अंधेरी में मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। सुहासिनी मेरी पत्नी थी। आज से 3 साल पहले 2010 14 फरवरी को वो घर से ना जाने कब लापता हो गई। मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट आपने आपकी पत्नी के लापता होने के 2 दिन बाद 16 फरवरी को दर्ज कराई थी। 2 दिन प्रतीक्षा क्यों की आपने? सर, मैंने सोचा कि वो घर से फिर भाग गई है, फिर वापस चली आएगी। भाग गई फिर से का क्या मतलब? हमारी शादी के पहले सुहासिनी का एक बॉयफ्रेंड था। शादी के 2 हफ्ते पहले सुहासिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन में ही वापस चली आई। बड़ी फजीहतों के बाद हमारी शादी। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाए, लेकिन शादी के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन उसके पास आता, जिसकी वजह से आए दिन हमारे बीच में झगड़ा होता। और फिर शादी के 1 साल बाद सुहासिनी घर से अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, इसलिए 2 दिन कोई खबर नहीं मिली। जब 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो मैंने मिसिंग पर्सन्स में रिपोर्ट दर्ज कराई। उस बॉयफ्रेंड का नाम और पता जानते थे आप? उसका पता तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसका नाम जानता हूं, ध्रुव। ध्रुव दीक्षित नाम है उसका। यही मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है। क्या सर ये झूठ बोल रहा है? सर, ना मैं इसको जानता हूं ना इसकी पत्नी को जानता हूं। 3 सालों तक मेरी पत्नी के साथ रहने के बाद तूने उसका कत्ल कर दिया? क्या बकवास किए जा रहा है बॉस? क्यों मुझे फालतू में इन चक्रों में फंसा रहा है? मैं मारा जाऊंगा। अच्छा है, तुम्हारे साथ वही हो तो ही अच्छा है। जैसा जैसा मैंने इसकी फोटो अपनी पत्नी के पर्स में देखा, सेम यही चेहरा है। मेरा घर बर्बाद कर दिया भाई। झूठ! तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अल्पना, अल्पना रुको, अल्पना मैं किसी भी सुहासिनी को नहीं जानता।
मिस्टर ध्रुव शांत हो जाइए। मार डालूंगा मैं तुझे। यही गुस्सा माय लॉर्ड, यही गुस्सा जो निर्मल शिंदे की पत्नी की मौत का कारण बना। जान लेवा गुस्सा। देखिए देखिए कैसे कैसे तिल मिला रहा है, जैसे जैसे कि उसकी जान ले रहा है। आप क्यों तिल मिला रहे हैं? हाँ भाई, तुमने जो आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, इसका कोई सबूत है कि इन्होंने तुम्हारी पत्नी को मारा? उस फोटो की बात तुमने की थी, वो फोटो है तुम्हारे पास? नहीं सर, फोटो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक सबूत है, इन राइटिंग। इन राइटिंग? जी। क्या है सबूत? मेरे पास ये उसका लव लेटर है जिसको 3 साल पहले मैंने पकड़ा था। डियर ध्रुव, ये 3 वर्षों से बचा कर रखा है तुमने। जी मिस्टर पार्टनर, इसे पत्नी की निशानी ही समझ लीजिए। और वैसे भी इस लेटर से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर ध्रुव का मिसेस सुहासिनी के साथ क्या संबंध था। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स से मैं इस पत्र की जांच करवाना चाहूंगा ताकि ये पता चल सके कि हैंडराइटिंग सुहासिनी जी की है या नहीं। उसकी नौबत ही नहीं आएगी मिस्टर पाठक, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बोलो, तुमने उस औरत को क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगी थी? वो तुमसे ये कह रही थी कि तुम उसके साथ शादी कर लो वरना वो अपने और तुम्हारे अफेयर के बारे में तुम्हारी पत्नी को बता देगी, है ना? सर सर आप क्या कह रहे हैं? सर ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसे तुमने सुहासिनी के सर पे वार करके उसकी जान ले ली। और फिर इससे पहले कि तुम पकड़े जाते, तुमने उसकी लाश को छुपा दिया फ्रिज में। एक मिनट प्रोसिक्यूटर साहब, इनके घर में इतना बड़ा फ्रिज है ही नहीं कि किसी व्यक्ति को अंदर छिपाया जा सके। मिस्टर पाठक, आपके जो ये मुवक्किल है ना, ये एक बहुत बड़े फूड एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और इनकी फैक्ट्री में ऐसे कई बड़े बड़े फ्रिजर हैं जिसमें किसी इंसान को तो क्या बल्कि एक बड़े जानवर को भी छुपाया जा सकता है। इन्होंने वहीं उनको मारकर स्टोर कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वहां से फिर उनके मृत शरीर को घर ले आए ताकि इनकी पत्नी इनको पकड़ ले और पुलिस इनको पकड़ ले। आई एग्री विथ यू मिस्टर पाठक, ऐसी बेवकूफी भला कोई क्यों करेगा? माय लॉर्ड, ये तो मिस्टर ध्रुव भी बता सकते हैं। उन्हें डर था कि फैक्ट्री में छिपाई गई लाश शायद पकड़ी ना जाए, इसलिए वो उस लाश को अपने घर ले आए और वहां से उस लाश को कहीं और फेंकने का इरादा रखते थे, लेकिन उससे पहले ये पकड़े गए। लाश घर में छिपाई नहीं गई थी प्रोसिक्यूटर साहब, पर्दे के पीछे रखी गई थी स्पष्ट रूप से इन्हें फंसाने के लिए। ओह, तो फिर वो लाश घर में कैसे आ गई? जादू से? नहीं, जादू से नहीं। वैसे आपके इस प्रश्न का उत्तर ध्रुव की बिल्डिंग की लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से मिलेगा। योर ऑनर, इसे चलाने की अनुमति चाहिए। देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, ये है वो जरिया जहां से लाश को ऊपर ले जाया गया। लेकिन ये तो किसी की नई वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है, आपको कैसे पता कि इसमें लाश है? प्रोसिक्यूटर साहब, ध्यान से देखिए, वो डब्बा जिसमें आप कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है, उसमें से पानी टपक रहा है। क्या वॉशिंग मशीन के साथ ये लोग धुले हुए कपड़े भी लाते हैं? ये पानी उस बर्फ के पिघलने से टपक रहा है जिसमें लाश रखा गया था। और ये देखिए, लिफ्ट में घुसते ही उन्होंने 4 माले का बटन दबाया, 4 माला जहां ध्रुव दीक्षित का फ्लैट। और ये बाहर का दृश्य जहां आप टेम्पो देख रहे हैं, टेम्पो पर लिखा हुआ है ग्लग ट्रांसपोर्ट। बस अभी हमें करना इतना है कि इस टेम्पो को ढूंढना है, टेम्पो को ढूंढते ही बाकी की कहानी पता चल जाएगी और जो असल हत्यारा है ये रोना वो सामने आ जाएगा, वो चाहे मेरे मोकिल क्यों ना हो। इसलिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। ये अदालत इस केस की अगली तहकीकात पूरी होने तक मुलतवी की जाती है।
Excuse me, Mr. Patak. जी कर्नल साहब, कहिए। मैं सुहासिनी का पिता हूँ। मैं जानता हूँ, कहिए। मुझे नहीं लगता कि निर्मल सुहासिनी का पति सच बोल रहा है। मैं मानती हूँ कि सुहासिनी का शादी से पहले किसी लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन किसी लड़के के साथ चक्कर था, परंतु क्या आप जानते हैं कि वो लड़का ध्रुवी था? जी पता नहीं, वैसे उसे हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ एक बात पता है कि शादी के बाद निर्मल और सुहासिनी का बहुत झगड़ा हुआ करता था, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी उनके बीच, और हाँ निर्मल ने कई बार उसे मारने की धमकी भी दी थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आपकी सुपुत्री की हत्या आपके दामाद ने की है? इसका हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, अगर होता तो। अगर सबूत है तो बहुत जल्द मिल जाएगा कर्नल साहब, अब निश्चिंत रहिए। हाय सर। हाँ वरुण बोल। सर पूरे शहर में ब्लड ट्रांसपोर्ट नाम की 3 कंपनीज हैं। 2 को मैं चेक कर चुका, लेकिन उनके यहाँ से उस शाम श्रद्धा कॉलोनी में कोई भी वॉशिंग मशीन डिलीवर नहीं हुई। अब बस इस तीसरी कंपनी को चेक करना बाकी बचा है। चाबी कहाँ गई? चले पुलिस स्टेशन। बंद साहब, मारो मत, मारो मत साहब, मैं सब सच बताता हूँ। उन लोगों ने मुझे ही बोला था वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने को, पर साहब मुझे क्या मालूम था कि उस वॉशिंग मशीन में किसी की लाश होगी। साहब मैं तो बस टेम्पू चला रहा था। कौन थे वो लोग? साहब मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने मुझे 3,000 रुपए दिए थे। कहाँ से उठाई थी वॉशिंग मशीन? साहब माहिम के पास एक वेयर हाउस से, एक्सेल वेयर हाउस, वहीं से साहब। एक्सेल वेयर हाउस माहिम, उसका तो मालिक महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह? कौन महेंद्र सिंह? मेरा जो फूड एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैंने महेंद्र सिंह से उसका वेयर हाउस रेंट पर लिया हुआ था कुछ सालों से। पिछले महीने ही मुझे मालूम चला कि वो कुछ घपला करता है, उसके अकाउंट में हेरा फेरी करता है। तो मतलब महेंद्र सिंह को निकाल के उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और को दिया? जी बहुत बहुत बड़ी धमकी देकर गया था वो। इसका मतलब ये हुआ कि महेंद्र संभवतः उसी बात का बदला तुमसे ले रहा है। मुझे सच में नहीं पता चल रहा है आप क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। ओ जी मेरा तो स्टोरेज का वेयरहाउस है, और वहां पर हम खाने पीने की चीजों को स्टोर करते हैं, लाश नहीं रखते। अच्छा खाने पीने की चीजें रखना, वॉशिंग मशीन नहीं रखते? नहीं यार, क्योंकि आपके जो 2 कर्मचारी हैं सोहन और मकरंद, उन्होंने अपने कथन में यही कहा है कि आपके कहने पर वो वॉशिंग मशीन अर्थात वो लाश उन्होंने डिलीवर किया था इनके घर 4th माले पर। क्या वो दोनों पकड़े गए? अजी पकड़े गए, और आप भी तो पकड़े गए। देखिए वो लाश धुर के घर मैंने ही भिजवाई थी अपने आदमियों को भेजकर, जब वो घर पर नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर वो लाश उसके घर पर भिजवाई, क्योंकि मैं धुर को फंसाना चाहता था। नहीं नहीं फंस तो अब आप गए, हत्या के आरोप। देखिए वकील साहब, मैंने उस औरत को नहीं मारा, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, प्लीज एक बार सुनिए। मेरे वेयर हाउस में एक सेक्शन है जिसमें फ्रिज रहते हैं, और सर उसमें एक बड़ा सा फ्रीजर किसी जगी ने 3 साल के लिए मुझसे भाड़े पर लिया, और एडवांस में मुझे 4 साल का किराया भी दिया था साहब। और एक दिन मैं सारे फ्रिजेस चेक कर रहा था। ओ मकरंद। हाँ जी सर। ओ हमारे इन सब फ्रिज व्रिज का किराया तो ठीक टाइम पर आ रहा है ना? हाँ सर। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? गुड गुड। अरे मकरंद ये फ्रिज इतना गंदा कैसे पड़ा हुआ है? 3 साल से बंद पड़ा है सर, और जब से किराए पे दिया है आज तक सामान भी नहीं बदला। खोलो इसे देखते हैं। सर जी ताला लगा हुआ है सर जी, और उसकी चाबी जो है वो किराएदार जग्गी सिंह के पास होगी ना। 3 साल से ताला लगा हुआ है, और जग्गी सिंह आया इसे बीच में खोल के देखने के लिए? 3 साल से तो कभी नहीं आया, और देखा भी नहीं हमने सर। जाओ इसकी मास्टर की लेके आओ, चेक करते हैं इसमें क्या है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें।
खोल खोल खींचा। क्या करें सर जी, पुलिस को बता दे। अबे पागल हो गया क्या, पुलिस सबसे पहले हमें अंदर करेगी कि 3 साल से लाश छुपाए बैठे हुए थे। लेकिन हमें क्या पता कि उस फ्रीजर के अंदर वो। इतनी बदनामी होगी हमारी कि जितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं ना, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि खाने पीने की चीजों के साथ लाश रखा करते थे। इस लाश को कहीं दबाना पड़ेगा। विरार की खाड़ी में फेंक देते हैं, किसी को मिलेगी भी नहीं लाश। नहीं, इससे पहले कि हम मुश्किल में हो, क्यों ना किसी और को इस मुश्किल में डाल दिया जाए। धुर दीक्षित, ओ मकरंद, तेरा एक दोस्त है ना जो चाबी बनाता है डुप्लीकेट। हाँ। उसको बोल एक चाबी बनानी है फ्लैट की, और उस लाश को वहीं डालेंगे हम। धुर दीक्षित, अब तू देना पुलिस का जवाब। लेकिन मैंने उस औरत को नहीं मारा वकील साहब। झूठ बोल रहे हैं आप मोहिंदर सिंह जी। नहीं, ये सच है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। आपको पकड़ने ही है तो उसको पकड़ो जिसने मुझसे ये फ्रिज किराए पे लिया था, उस जग्गी को पकड़ो। जग्गी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जो पता मिला है वो भी गलत है। मतलब ये के डेड एंड। मोहिंदर सिंह जी, आप जग्गी से मिले तो होंगे, क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से जग्गी कौन है? नहीं नहीं, वो भी मेरी तरह सरदार जी था और काला चश्मा लगाता था। हो सकता है कोई और व्यक्ति हो, भेष बदल कर आया हो। जैसा कि मैंने कहा, डेड एंड। योर ऑनर, डेड एंड किंतु मेरे मुवक्किल के लिए नहीं। मोहिंदर जी के बयान से यह साबित होता है कि मेरे मुवक्किल का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। यह अदालत मिस्टर ध्रुव दीक्षित को मिसेस सुहासिनी शिंदे के हत्याकांड में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। लेकिन इससे मिसेस सुहासिनी शिंदे हत्याकांड में कई नए सवालात अभी बरकरार हैं। लिहाजा यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द असली मुजरिम को कटघरे में लाए। हाउएवर द केस अगेंस्ट मिस्टर दीक्षित इज क्लोज्ड। सर, ध्रुव और अल्पना ने आपको थैंक्स भेजा। वो तो ठीक है वरुण, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये केस अभी तक समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अगर ध्रुव ने सुहासिनी की हत्या नहीं की तो सुहासिनी की हत्या की किसने? सर, इस बात का पता तो पुलिस लगा ही लेगी। मोहिंदर सिंह ध्रुव को फंसा रहा था क्योंकि ध्रुव ने मोहिंदर सिंह का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो निजी दुश्मनी थी। निर्मल तो ध्रुव को पहचानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, तो फिर वो उसे क्यों फंसाएगा, कैसे फंसाएगा? साहब देख लेना, निर्मल ही किलर है और पुलिस भी उसे देख लेगी। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने मेरी वाइफ को नहीं मारा। तो फिर ध्रुव दीक्षित को क्यों फंसा रहा था? सर, सुहासिनी का जो बॉयफ्रेंड था उसकी शक्ल उससे मिलती थी। अब कहेगा जुड़वा भाई थे। सर वो जुड़वा था या तिड़वा था ये तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम ध्रुव था और उसकी शक्ल सेम थी, और वो जो लव लेटर था सुहासिनी ने उसके लिए ही लिखा था। सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि जो लेटर लिखा था वो उनकी बीवी सुहासिनी इन्होंने लिखा था। देखा सर, देखा, मैंने कहा था ना सर मेरी वाइफ का कातिल यही है। अब कब कहां कैसे इसने किया ये पता करना आपका काम है। अजीब मुसीबत। सर अब क्या मुसीबत है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए। जाओ। थैंक यू सर। रिक्शा अंधेरी।
कौन? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? अगर हमारे मिलने से ये मामला वंस एंड ऑल खत्म हो जाता है तो ठीक है, आज रात 10 बजे राजू फील्ड। ध्रुव, आई एम रियली सॉरी ध्रुव। उस वक्त मुझे लगा कि तुम्हारा सौरभ के साथ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक झटके में तुम्हारा सारा विश्वास टूट गया, वो भी उस निर्मल के कहने पर। बस इतना ही भरोसा था मुझ पर? I'm sorry, अल्पना। तुमने मुझे हर्ट किया है, उसकी कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी पड़ेगी। ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? एक बार मेरी बात तो सुन लो। ऑफ। मैसेज करता मुझे मत मारो, मैं पुलिस। हेलो। हाँ अल्पना जी बोलिए। मैं कसम खा के बोलो, मैंने निर्मल को नहीं मारा। मरने से पहले SMS किया था ना उसको, मिलने वाले थे ना उससे। जी मिलना वाला था मैं, पर नहीं तो मिलने गए थे या नहीं निर्मल? सर मैं गया था, मैंने राजन मिल में उसको बुलवाया था मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए कि उसने आखिर कोर्ट में मेरा नाम क्यों लिया। पर मैं सर वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, और जैसे ही पहुंचा मैंने देखा वहां पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। घबरा गया था, मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। कहानी अच्छी है पर टिकेगी नहीं। कहाँ है वो गन? सर कौन सी गन? सर मैं बोल रहा हूं मैंने कुछ भी नहीं किया है। पाठक साहब बोलिए। एक केस खत्म, दूसरा शुरू। क्या करोगे अब आप? सुलझा देंगे। सर सबको लगता था कि सुहासिनी का खून निर्मल ने किया, लेकिन फिर कोई निर्मल को ही मार देता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? कोई तीसरा आदमी? Obviously वरुण, कोई तीसरा है, और ये तीसरा इस कहानी के बारे में सब कुछ जानता था और नहीं चाहता कि इस कहानी की सच्चाई बाहर है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ही आदमी है जिसने 3 साल पहले सुहासिनी को मारा और अब निर्मल को? हो सकता है और नहीं भी, एक ही सुराग हो सकता है इसका। तो पता लगा कि सुहासिनी का वो बॉयफ्रेंड, वो लवर कौन था? अगर ये पता लग गया तो हत्यारे का भी पता चल जाएगा। सुहासिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, और ना ही मैंने उसे कभी देखा। एक बात बताइए, क्या उसके बॉयफ्रेंड का नाम ध्रुव था? जी नहीं, उसका नाम राजीव था और वो एक शिप पर कैप्टन था। राजीव शिप पर कैप्टन, पूरा नाम? जी पता नहीं। और इसमें सुहासिनी की कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा ही है तो निर्मल भी कोई दूर का दूल्हा नहीं है। सुहासिनी ने मुझे उसके बारे में कई सारी बातें बताई थी। जैसे कि? जैसे कि निर्मल का शादी के बाद भी एक लड़की के साथ अफेयर, उसकी सेक्रेटरी के साथ। सेक्रेटरी? जी, उसका नाम रूही मेहरा है, वो यही मलाड एवरशाई नगर में रहती है, बिल्डिंग नंबर A16, फ्लैट नंबर 505। रूही मेहरा? जी। थैंक्स अ लॉट। इंस्पेक्टर राठौर। राठौर, केडी पाठक बोल रहा हूँ। ये निर्मल शिंदे ने जो तुम्हें प्रेम पत्र दिया था। मुझे? अरे तुम्हें नहीं, कहने का अर्थ वो उसकी पत्नी का जो प्रेम पत्र था वो तुम्हारे पास है? हाँ हमारे पास है, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है मैं आता हूँ। लीजिए पाठक साहब, ये हमारा
एविडेंस। राठौर साहब, इस पत्र में कुछ गड़बड़ है। जहां तक मेरा अनुमान है, पत्र तो सुहासिनी ने ही लिखा है, किंतु ये प्रिय ध्रुव के नाम किसी और ने लिखा है। मतलब ये नाम ध्रुव किसी ने बाद में लिखा है। पता नहीं, वो व्यक्ति जो ध्रुव को फंसाना चाहता है, हो सकता है निर्मल। पर निर्मल उसे कैसे फंसाएगा? राठौर साहब, निर्मल की प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस में कई ऐसे रसायन होते हैं जिससे पहले का लिखा हुआ पहले की स्याही को मिटाकर आप नए सिरे से उस पर लिख सकते हैं। पता नहीं, ये तो महेंद्र सिंह जी से बात करने पर संभवतः पता चले। आप एक काम करिए राठौड़ साहब, इसकी फोरेंसिक जांच करवाइए। पता लगाइए कि ये जो स्याही है जिससे प्रिय ध्रुव लिखा है, ये बाकी के पत्र के स्याही से मिलती है या नहीं। देखिए, मेरे और निर्मल के बीच जो भी था वो एक बहुत पुरानी बात है। अब मेरा रिश्ता तय हो गया है, सो प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। सुहासिनी आपके और निर्मल के बारे में जानती थी? जी, मैंने ही निर्मल को कहा था कि सुहासिनी को सच बता दे। क्यों? मैं प्यार करती थी उससे, शादी करना चाहती थी, पर फिर मैंने अचानक अपना इरादा बदल दिया। अचानक? अचानक क्यों? क्योंकि निर्मल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था। एक दिन कहने लगा कि सुहासिनी को बुखार है, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी उसे सब कुछ सच बता दूंगा। फिर कहने लगा कि सुहासिनी को बिना सच बताए उसे रास्ते से हटा दूंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके ये कहने के दो दिन बाद सुहासिनी गायब हो गई। और तुम्हें लगा इस सब के पीछे निर्मल? जी, मैं बहुत डर गई थी और इस वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो इस बात पे बहुत भड़का और महीनों उसने मुझे तंग किया, और उसके इस बिहेवियर से मैं उससे और दूर होती चली गई, और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। इस पूरे केस के दौरान ये बात तुमने पुलिस से कभी नहीं कही? क्या फर्क पड़ता है, निर्मल ने सुहासिनी की जान ली और अब निर्मल भी इस दुनिया में नहीं है, पर इस सब में मेरा क्या फॉल्ट? यही है आपका जग्गी? हाँ वकील साहब, यही है जग्गी। निर्मल? हाँ वरुण, बोल। निर्मल ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि वो अपनी पत्नी सुहासिनी को रास्ते से हटा देगा। ऐसा कहने के ठीक दो दिन बाद सुहासिनी गायब हो गई। सर, मोहिंदर सिंह के बयान के बाद तो पूरी बात क्लियर है, निर्मल ने सुहासिनी को मारा। और जब ध्रुव पकड़ा गया तो निर्मल ने ध्रुव को भी फंसा दिया उस टेम्पर्ड लव लेटर के थ्रू, और फिर किसी ने निर्मल की हत्या कर दी। इसका अर्थ यह होता है कि इस कहानी में एक नहीं दो दो विलन है, एक निर्मल, दूसरा हमें ढूंढना है। उसे कौन हो सकता है? रूही या फिर सुहासिनी की दोस्त मेघा? एक बात बता, अगर तू सुहासिनी को मारना चाहता सब तो कहां मारता? सब उसे बाहर बुलाकर? हाँ, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार तो उन दिनों में सुहासिनी को बुखार था। बुखार लेकर के कोई घर से बाहर तो जाता नहीं। इसका यह अर्थ होता है कि हत्या उसके घर में हुई है, असल हत्या स्थल। इसका मतलब सुहासिनी के फ्लैट में? सुहासिनी और निर्मल का फ्लैट। निर्मल का मर्डर मुकेश मिल में हुआ था, इस घर में नहीं। फिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सुहासिनी के मर्डर का क्लू। सांप मर गया, लकीर ढूंढ रहे हो? 3 साल पहले जो मर्डर हुआ उसका क्लू तुम आज यहाँ ढूंढ रहे हो। मतलब इतने सालों तक हत्यारे ने सारे निशान यहाँ छोड़ रखे हैं। राठौर साहब, सोचिए कि आप सुहासिनी और मैं निर्मल, और अगर मैंने इससे आपको मार डाला तो मैं आपकी लाश को यहाँ अंधेरी मरोल से मोहिंदर सिंह के माहिम के वेयरहाउस तक कैसे लेकर जाऊंगा? बोरी में, संदूक में, या फिर फ्रीजर में? इंस्पेक्टर साहब, उस जग्गी ने, निर्मल ने मेरे वेयरहाउस में आकर एक बड़ा सा फ्रीजर उठवाया और कहने लगा कि वो इसको भरकर वापस मेरे वेयरहाउस में भिजवा देगा। यानी कि इतना बड़ा फ्रीजर
निर्मल के घर गया था। ये बात किसी ने तो देखी होगी बिल्डिंग में। 3 साल पहले? हाँ साहब, निर्मल साहब के यहाँ एक बड़ा सा फ्रीजर आया तो था, लेकिन उन्होंने उसे वापस लौटा दिया था ये बोलकर कि ये उनका ऑर्डर नहीं है। क्या वो फ्रीजर उनके घर ऊपर तक चढ़ा था? हाँ साहब, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद में निर्मल साहब कहने लगे कि ये हमारा ऑर्डर नहीं है। तब वही लोग बेचारे नीचे लेकर के आए उसे और ला करके उन्होंने टेम्पो में रखा साहब। 10 मिनट? उन 10 मिनटों में निर्मल ने सुहासिनी की लाश को फ्रीजर में डाल दिया। क्या साहब? कुछ नहीं। थैंक यू। क्या साहब, 50? इसी खबर का तो हमको 100 रुपये मिला था साहब। इस खबर का आपको 100 रुपये मिला था? हाँ साहब। किसने दिया था आपको? वो पुलिस वाले ने सर। आजकल पुलिस वाले पब्लिक को घूस दे रहे हैं साहब। उस पुलिस वाले का होलिया याद है आपको? तो वो पुलिस वाले आप थे कर्नल साहब? जी हाँ, मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से उस फ्रीजर की बात पूछी थी। क्यों? अपने दामाद के हत्यारे होने का सबूत इकट्ठा कर रहे थे। पाठक साहब, एक बाप को इतना हक तो होता है कि वो अपनी मरी हुई बेटी के कातिल तक पहुंचे। हाँ, लेकिन इतना अधिकार नहीं होता कि आप अगले रात वहां जाकर राजन मिल जाए निर्मल की हत्या ही कर दे। मिस्टर पाठक, मैं निर्मल को सजा देना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि निर्मल की जान मैंने ली है। कौन से साल में रिटायर हुए आप आर्मी से? 2004। जैसे कि प्रथा होती है, कर्नल साहब आर्मी से रिटायर होने के बाद में अपना सर्विस रिवॉल्वर व्यक्ति अपने पास ही रखता है, आपने भी रखी होगी। जी हाँ, है। कौन सी बंदूक? मेरी ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 9mm कैलिबर। आपको ये तो पता होगा कर्नल साहब की बिल्कुल ऐसी ही बंदूक से, ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक 9mm से ही निर्मल की हत्या हुई है। वकील साहब, दुनिया में ऐसी अकेली एक ही गन नहीं है। हाँ, लेकिन इस केस में तो एक ही गन है कर्नल साहब, और इसी गन से निर्मल की हत्या की गई। मिस्टर पाठक, आई एम सॉरी टू से, बट मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिविलियंस को हथियारों की नॉलेज बहुत कम होती है। मेरे पास जो पिस्टल है वो ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, कैलिबर 9mm। लेकिन निर्मल की जिस गन से हत्या हुई है वो 9mm कैलिबर नहीं, 10mm कैलिबर की थी, और ग्लॉक 20 थी, 17 नहीं। सही कहा आपने, क्षमा चाहता हूं। सिविलियन हूं इसलिए अस्त्र शस्त्रों के बारे में जरा कम ज्ञान है मुझे कर्नल साहब, लेकिन अपना कार्य खूब जानता हूं मैं, बखूबी निभाता हूं कर्नल साहब। पुलिस स्टेटमेंट के अनुसार प्रेस में जो बात आई थी वहां केवल इतना ही लिखा गया था कि ग्लॉक पिस्टल से निर्मल की हत्या हुई। ये जो बारीकी अभी अभी आपने बयां की अदालत में, ग्लॉक 20, 10mm कार्ट्रिज कैलिबर, ये कैसे पता आपको? मैं बताता हूं आपको कैसे, क्योंकि ग्लॉक 20 ऑटोमैटिक 10mm कैलिबर पिस्टल आप ही की थी जो आपने तानी थी निर्मल पर, आप ही ने गोली चलाई, आप ही ने उसकी हत्या की या नहीं? मैं क्या करता वकील साहब, क्या करता मैं? आजाद घूमने देता अपनी बेटी के हत्यारे को, जिसे आपके कानून ने निर्दोष समझ के छोड़ दिया था। कानून ने निर्दोष नहीं समझा था उसे कर्नल साहब, उसके विरुद्ध सबूत ढूंढे जा रहे हैं। कैसा सबूत वकील साहब? अरे 3 सालों तक उस जानवर ने मेरी बेटी को बर्फ की कब्र में कैद करके रखा। 3 सालों तक किसने ढूंढा उसे? ढूंढा आपके कानून ने? नहीं ना, अरे मिसिंग पर्सन की फाइल में उसका नाम कैद करके रख दिया था। नहीं है मुझे भरोसा, नहीं था मुझे भरोसा आप लोगों पर, और नहीं है मुझे भरोसा आपके कानून पर, इसलिए उसका फैसला
मैंने खुद कर दिया उस जानवर नुमा इंसान को सजा देकर। मैंने खुद सजा दिया। कर्नल साहब, अगर आपकी तरह हर हिंदुस्तानी कानून अपने हाथों में लेता रहे तो फिर इस देश के कानून का क्या काम, इस देश के संविधान का क्या काम। अब आपने अपनी पुत्री के हत्यारे को दंड तो दे दिया, किंतु आपकी इस करतूत के कारण जो दंड आप पाएंगे और इसके द्वारा जो दंड आपके परिवार को मिलेगा, क्या वो दंड पाना आवश्यक था? I don't think so. The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर निर्मल शिंदे को मिसेस सुहासिनी शिंदे के मर्डर केस में दोषी करार देती है और मिस्टर शिंदे हत्याकांड में मिस्टर ध्रुव दीक्षित को बाइज्जत बरी करते हुए कर्नल देसाई को दोषी पाते हुए उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है। However, the cases pertaining to the murders of Mrs. Suhasini Shinde and Mr. Nirmal Shinde are closed. पड़क साहब, मैं आपको एक बार नहीं दो बार थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरी दो बार जान बचाई। इसीलिए तो हमेशा केडी सर दो बार कहते हैं। क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं?